हेलो डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर फ्रेंड्स, इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑर्डर 6 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908। एंड ऑर्डर 6 डील्स विद जनरल प्लीडिंग्स। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस फ्रॉम रूल 1 टू 9। लेट्स स्टार्ट। रूल 1, व्हाट्स रूल 1? रूल 1 इज रिलेटेड टू प्लीडिंग। What are pleadings? Pleadings shall mean plaint or written statement. हाँ, जब कोई plaintiff, देखें सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर दो बंदे होते हैं, मैं कहूँ कि सिविल साइड पर दो बंदे होते हैं, एक होता है plaintiff, दूसरा होता है defendant. Plaintiff वो जो plaint जमा कराएगा और defendant वो जो written statement देगा। Plaint को हम कहते हैं दावा और written statement को हम कहते हैं जवाब दावा। मगर इन प्लीडिंग्स में क्या होगा, कौन कौन सी चीजों को इंक्लूड किया जाएगा, तो हम इस ऑर्डर के अंदर ये चीजों को डिस्कस करें। हाँ, ऑर्डर 7 जो है वो भी रिलेटेड है, मगर ऑर्डर जो 6 है वो बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ प्लीडिंग्स के बारे में बात करता है कि जनरली उनमें क्या चीजें होंगी। और रूल 2 जो है बात करता है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स के बारे में। एवरी प्लीडिंग शैल कंटेन एंड कंटेन ओनली स्टेटमेंट इन अ कॉन्साइज फॉर्म ऑफ द मटेरियल फैक्ट्स ऑन विच द प्रिंसिपल। बस आप कहूँगा, रीडिंग आप कर लीजिएगा, आपने सीपीसी के बुक को खोल के रखें, मगर आपको मैं सिर्फ जो है एक ब्रीफ दे देता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स में ये चीजें होंगी कि जब आप प्लीडिंग जमा कराओगे, उन प्लीडिंग्स में आप जो है वो मटीरियल फैक्ट्स को सिर्फ जमा कराओगे, सिर्फ मटीरियल फैक्ट्स को मैंशन करोगे प्लीडिंग के अंदर, ना के एविडेंसेस को। आप जो है वो एविडेंसेस को नहीं डालोगे, क्या डालोगे, सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स को। मटेरियल का मतलब सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर होता है इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स होंगे उनको लिखें, ब्रीफली लिखें। एविडेंसेस वगैरह को डालने की कोई जरूरत नहीं कि मटेरियल फैक्ट्स किस तरह के, भाई मैं जो है मैंने इसको, हमारे दरमियान ये दो, ये एक बिजनेस था, 10 लाख रुपीज का बिजनेस था, उसको कोई चीज कंसिडरेशन में देनी थी, उसने मुझे नहीं दी, ये है मटेरियल फैक्ट्स। मटेरियल फैक्ट्स डालोगे, उसके साथ डिवाइड करोगे उनको पैराग्राफ के अंदर, नंबर्ड कॉन्सिक्यूटिवली होंगे, और बाकी रही बात डेट्स की, सम्स की और नंबर्स की, दे शल ऑल बी इन फिगर्स। फिगर्स का मतलब होता है न्यूमेरिकल फॉर्म्स में, ठीक है। रूल 3, फॉर्मेट ऑफ प्लीडिंग। रूल 3 बात करता है कि प्लीडिंग्स का फॉर्मेट, फॉर्म, शक्ल क्या होगी। शक्ल कहता है कि वो होगी जो कि अपेंडिक्स ए में मौजूद है। अपेंडिक्स क्या होते हैं, देखिए अपेंडिक्स जो है वो किसी भी चीज की एडिशन को हम अपेंडिक्स कहते हैं, कि उससे रिलेटेड एडिशनल जो चीजें, सप्लीमेंटल जो चीजें होती हैं, वो हम उनको अपेंडिसेस कहते हैं, जो कि बुक के हमेशा लास्ट में मौजूद होती हैं। आप सिविल प्रोसीजर कोड के लास्ट में जाएंगे तो यू विल फाइंड अपेंडिसेस देयर। तो यहाँ पर अपेंडिक्स ए में जो है वो फॉर्म्स मौजूद हैं, उन फॉर्म्स में, उन फॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है आपका फॉर्मेट होगा प्लीडिंग का। और अगर फॉर्म ए में, जो अपेंडिक्स ए में जो चीजें मौजूद हैं वो एप्लीकेबल नहीं है, तो लाइक करेक्टर की जो भी दूसरे फॉर्म होंगे आप उनमें प्लीडिंग लिख सकते हैं, ठीक है जी, वो मतलब आप फॉर्म्स को यूज कर सकते हो फॉर योर प्लीडिंग। रूल 4 बात करता है पर्टिकुलर्स टू बी गिवन वेयर नेसेसरी। जब पर्टिकुलर्स जो हैं वो जरूरी होंगे आपको वो लिखने हैं। आपने अभी रूल 3 में जो अपेंडिक्स पढ़े, अपेंडिसेस पढ़े, जैसे अपेंडिक्स ए के अंदर जो भी पर्टिकुलर्स रिलेटेड होंगे, फॉर एग्जाम्पल आपका जो है वो कोई मसला जो है वो रिलेटेड टू है मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, विलफुल डिफॉल्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस, इनसे रिलेटेड कोई मसला है, इनके पर्टिकुलर जो है वो आप दोगे किसमें, उन फॉर्म्स में जो के प्रायर मेंशन किए गए हैं रूल 3 में, जो फॉर्म्स थे उन फॉर्म्स के अंदर, ठीक है, फॉर्म्स के अंदर जो फॉर्म्स थे उनमें आप पर्टिकुलर दोगे किन के, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड ऑफ ट्रस्ट, विलफुल डिफॉल्ट, इन सब चीजों के। मगर एक्स्ट्रा बात ये करता है कि अगर उन, वो जो पर्टिकुलर्स आप दे रहे हैं उनसे बियॉन्ड भी अगर कोई पर्टिकुलर्स हैं तो वो भी आप डालोगे, ठीक है, जो कि नेसेसरी आपको लगता है कि ये चीज़ें डालनी चाहिए तो आप वो भी पर्टिकुलर्स को डालोगे उन फॉर्म्स के अंदर, उन प्लीडिंग्स के अंदर। ये बात करता है आपका रूल 4। अब बढ़ते हैं रूल 5 की तरफ, फर्दर एंड बेटर स्टेटमेंट और पर्टिकुलर्स। इसके अंदर ये बात की गई है कि देखें, एक प्लेंटिफ प्लेंट जमा कराई, मगर अब डिफेंडेंट कहता है कि इस बंदे ने जो प्लेंट जमा कराई है, इस प्लेंट के अंदर फैक्ट्स ही क्लियर नहीं है, वी आर नॉट गेटिंग इट, वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट एक्चुअली व्हाट डज दिस मैन इज ट्राइंग टू आस्क और व्हिच रिलीफ ही इज आस्किंग फॉर।
डिफेंडेंट जो होता है वो रिबट करता है किसी भी आर्ग्यूमेंट को, ठीक है, सर रिबट कहते हैं, रिबट नहीं सर रिबट, सर रिबट करता है किसी भी आर्ग्यूमेंट को। मगर अगर डिफेंडेंट कहे कि इस बंदे ने जो प्लान जमा करा है हमें तो वो बात ही समझ में नहीं आ रही कि ये कौन से फैक्ट्स के बारे में बात कर रहा है, तो जब डिफेंडेंट को ये चीजें समझ में ना आए तो फिर वो क्या करेगा, तो फिर वो क्या करेगा कि वो अप्लाई करेगा कोर्ट के यहाँ और कोर्ट को कहेगा कि आप जो है ऑर्डर दें कि वो दूसरी एक बेटर स्टेटमेंट को फाइल करें जिससे हमें पता तो चले कि एक्चुअली वो बंदा क्या कहना चाह रहा है। वो जो एक पर्टिकुलर वो जो प्रोवाइड करे बेटर स्टेटमेंट प्रोवाइड करे, तो फिर कोर्ट क्या करेगी, ऑर्डर करेगी, और ऑर्डर करेगी अपॉन सच टर्म दिस टू कोस्ट अदरवाइज इट मे बी जस्ट, जो कि जस्ट होंगे, जस्टिफाइबल होंगे, उनके बुनियाद पर वो ऑर्डर करेगी प्लेंटिफ को कि आप प्लेंट बेटर स्टेटमेंट जमा कराएं। रूल 6 जो है वो बात करता है कंडीशनल प्रेसिडेंस। इसके अंदर ये बात की गई कि कंडीशन अगर कोई प्रेसिडेंट जिसके बुनियाद पर कोई परफॉर्मेंस या करेंस होनी थी और वो नहीं हो सकी है, तो फिर उन कंडीशन प्रेसिडेंट जो है वो उनको डिस्टिंक्टली स्पेसिफाई किया जाएगा आपकी प्लीडिंग के अंदर। कंडीशन प्रेसिडेंट का मतलब, प्रेसिडेंट मतलब प्रायोर, प्रेसिडेंट का एंटोनिम होता है सब्सिक्वेंट, जो कि आफ्टर हो। कंडीशन प्रेसिडेंट इस तरह के, फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन ए है जिसको मैंने एक कार सेल की और उसको मुझे पैसे देने, अब उस ए ने मुझे पैसे नहीं दिए, ये कंडीशन प्रेसिडेंट है, ठीक है। अब कंडीशन प्रेसिडेंट मुझे क्या करना है कि ये तो एक कंडीशन है, इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल इसी केस के अंदर कुछ और भी कंडीशन बहुत सारी हैं कि दूसरे बिजनेस भी अफेक्ट हो गए, दूसरी ट्रांजेक्शन जो थी वो भी अफेक्ट हो गई, तो उन सब कंडीशन को मैं क्या करूंगा, डिस्टिंक्टली मतलब सेपरेटली स्पेसिफाई करूंगा मेरे अपने प्लेडिंग के अंदर। मैं चाहे प्लेंटिफ हूँ या डिफेंडेंट जो भी हूँ, मुझे वो सेपरेटली डिस्टिंक्टली वो स्पेसिफाई करने होंगे मेरे प्लेडिंग के अंदर, जो कि इम्प्लाई करेंगे जज साहब, क्या करेंगे, जज साहब को इम्प्लाई करेंगे कि हाँ यही वो कंडीशन प्रेसिडेंट हैं जिनके बुनियाद पर, यही कंडीशन नेसेसरी कंडीशन प्रेसिडेंट्स हैं जिनके बुनियाद पर मुझे किसी सूट को सेटल करना है, सूट को डिस्पोज ऑफ करना है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन ऑल्सो गाइस, आपकी थोड़ी सपोर्ट से हमें जो है बहुत मोटिवेशन मिलती है और हम इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, काइंडली सब्सक्राइब जरूर से। पढ़ते हैं रूल 7 की तरफ, जिसको डिपार्चर या रेजिंग ऑफ न्यू ग्राउंड्स भी कहा जाता है। देखिए ना, एक मसला तो होता है ना भाई, कि हमने एक फॉर एग्जाम्पल प्लेंटिफ है, एक प्लेंटिफ ने प्लेंट को दो जमा करा दी, मगर वो कहता है कि यार ये तो न्यू ग्राउंड्स जो अभी अभी फूटे हैं, जो अभी अभी अराइज हुए हैं, ये ग्राउंड्स को तो मैंने डाला ही नहीं, इन चीज़ों को तो, इम्पोर्टेंट चीज़ों को तो मैंने डाला ही, मैंने भूल गया हूँ। तो अब अगर कोई रेजिंग ऑफ न्यू ग्राउंड है, अगर कोई न्यू ग्राउंड रेज हो जाता है, तो ये कहता है कि उस न्यू ग्राउंड को आप अपनी प्लीडिंग में शामिल नहीं कर सकते, हाँ एक्सेप्ट बाय वे ऑफ अमेंडमेंट। मगर अगर अमेंड किया जाए आपकी प्लीडिंग, अगर आप अमेंड की जाए तो फिर आप उनको रेज कर सकते हो न्यू ग्राउंड को, इसके अलावा नहीं। मगर ये अमेंड किस तरह होगा, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा रूल 17 में इसी ऑर्डर के, वहां पर अमेंडमेंट का प्रोसीजर दिया गया है, कोर्ट के पास जाओगे, एप्लीकेशन वगैरह जो भी है, और जो दूसरी पार्टी उसको नोटिस दिया जाएगा सब चीज, मगर उसको हम कमिंग लेक्चर में देखेंगे। रूल 8, डिनाइल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, याद रखें कॉन्ट्रैक्ट हमेशा लीगल है, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा लीगल होता है, इट्स ऑलवेज लीगल, बरअक्स होता है, बरअक्स होता है किसी भी एग्रीमेंट के, एग्रीमेंट लीगल या इलीगल भी हो सकता है मगर कॉन्ट्रैक्ट हमेशा लीगल होता है। हाँ ये रूल ये कहता है कि आप जो है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस को तो क्लेम कर सकते हो, ये टर्म्स एंड कंडीशंस दीज आर नॉट फुलफिल्ड, हाँ उनको अपनी प्लीडिंग के अंदर क्लेम कर सकते हो, मगर किसी भी लीगैलिटी को आप चैलेंज नहीं कर सकते कि कॉन्ट्रैक्ट लीगल ही नहीं था। भाई अगर लीगल ही नहीं था तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे था, तो कॉन्ट्रैक्ट तो हमेशा लीगल होते हैं, और आप चैलेंज नहीं कर सकते कि सुप्रीम इसके सफिशिएंसी इन लॉ नहीं थी, तो ये ऐसा चीज नहीं हो सकती। कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को आप कर सकते हो क्लेम, कर टर्म्स एंड कंडीशन किस तरह के, भाई मैंने कार सेल की 10 लाख के लिए, उस बंदे ने मुझे 10 लाख अभी तक नहीं दिए हैं, कॉन्ट्रैक्ट था हमारे दरमियान, तो ये 10 लाख कंडीशन है, उसको आप क्लेम कर सकते हो। रूल 9, इफेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी स्टेट, आपका जो भैया रूल 9 जो है वो ये कहता है आपके डॉक्यूमेंट जो आपके पास कोई भी है, उस डॉक्यूमेंट का जो है ना वो आप सिर्फ ब्रीफ दे दो, कोई भी डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल बिल ऑफ एक्सचेंज है या प्रोमिसरी नोट, आपने दो पार्टीज के दरमियान जो है वो बनाया गया था प्रोमिसरी नोट, उसके अंदर कुछ सेटलमेंट थी, कुछ जो है उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन थी कि भाई इस तारीख पे ये चीज होगी, इस तारीख पे जो पेमेंट होगी, इस चार तारीख पर जो है वो जो कुछ होगा वो होगा, वो सब चीजें जो है वो आप ब्रीफली एक बार लिख दें,
पूरा जो है वो पूरी चीजों को लिखना, उस डॉक्यूमेंट के हर चीज को लिखना जरूरी नहीं है। प्रिसाइजली, शॉर्टली, ब्रीफली जो है वो आप जो जो मेन मेन चीजें हैं उनको आप लिख दें, बाकी पूरे डॉक्यूमेंट को होलली या पार्टली लगाना वहां पर जरूरी नहीं है। ठीक है, बाकी इन कमिंग लेक्चर वी विल डिस्कस रूल 10 टू 18। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस माय वीडियो एंड चैनल बोथ। खुदा हाफिज, अस्सलाम।